हेलो गाइज, आपके अपने चैनल सेमा के स्टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइज, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे सुबेक्स लिमिटेड, जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी है। एंड अगर बात करें जो कि आईटी कंपनीज की, तो गाइज यहां पर काफी बड़ी परफॉर्मेंस आपको आपको देखने को मिली है इस पैंडमिक में। इवन काफी जबरदस्त साबित हुई है, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, काफी जो कि बेटर परफॉर्मेंस जो कि देखने को मिला है पैनामिक में। सो गाइज, अगर बात करें सुबेक्स की, तो एक जबरदस्त न्यूज अनाउंस हुई है। वो न्यूज क्या है, इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका जो कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी कितनी है मार्केट में, जो फ्लक्चुएट हो रही है, जो वॉल्यूम इसका ट्रेड हो रहा है, वो भी डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, अदरवाइज एक लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज मिस कर जाएंगे। तो अगर बात करें इसके आज की, तो गाइज यहां पर 5% का जंप देखने को मिला। तो आज के हाई की बात करें 55.5 रुपए इसका आज का ये लो की बात करें 51.45 रुपए इसका आज का लो। अगर 52वीं हाई की बात करें 74.45 रुपए इसका 52वीं का ये लो की बात करें 9.28 रुपए इसका 52वीं लो। अगर मैक्सिमम की बात करें, तो गाइस ये करीब करीब 750-750 रुपए के आसपास का शेयर हुआ करता था जैन 2007 में, और अभी एट प्रेजेंट आपको 53-54 रुपए के आसपास इसका फ्लक्चुएशन मार्केट में मिल रहा है। एंड अगर बात करें इसके एनालिसिस की, तो काफी सारी चीजें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अगर बात करें आज के वॉल्यूम ट्रेड की, तो आप देख सकते हैं यहां पर 1.5 करोड़ क्वांटिटी से भी ज्यादा वॉल्यूम जो कि एनएससी पे ट्रेड हुआ है। इट मींस कि यहां पर काफी बायर और सेलर बैठे हुए हैं सुबेक्स को लेने और ऑफ कोर्स इसको सेल करने के लिए। एंड अगर बात करें पीएससी की, तो यहां पर भी करीब करीब जो कि 23 लाख क्वांटिटी वॉल्यूम जो कि ट्रेड हुआ है आज। एंड अगर बात करें इसके जो कि स्पॉट एनालिसिस की, तो यहां पर स्ट्रेंथ जो कि ऑफ कोर्स इंक्रीज हो रही है। अगर बात करें इसके अलावा वीकनेस की, तो 5 वीकनेस है, 3 अपॉर्चुनिटीज है, 4 थ्रेट है। सो गाइस, अगर बात करें इसके आज की, तो गाइस यहां पर एक बड़ी जो कि ग्रीन कैंडल नजर आ रही है। इट मींस कि यहां पर जबरदस्त बाइंग हुई है और लास्ट में भी एक बड़ी क्वांटिटी जो कि ऑफ कोर्स जो कि बाय करने के लिए रह गई थी। एंड इसके अलावा अगर बात करें इसके सेंटीमेंट की, तो सेंटीमेंट इसका 89% बाय का, 2% सेल एंड 9% होल्ड करने का सेंटीमेंट इसमें नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें इसके जो कि एट प्रेजेंट जो कि क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, तो रिजल्ट भी काफी इवन बेटर है। अगर यहां पर थोड़ा सा डाउनफॉल जो कि जून क्वार्टर में देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। एंड अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो एक नेट प्रॉफिट में यहां पर भी आप देख सकते हैं टोटली स्टेबल है। इवन कंपनी जो कि एक साल से प्रॉफिट में एक जबरदस्त यहां पर प्रॉफिट अर्न कर रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें, तो करीब करीब सेम सिचुएशन है अर्निंग पर शेयर की भी। इसके अलावा ऑफ कोर्स यहां पर एक थोड़ा सा जो कि सोचने वाली चीज है कि पब्लिक होल्डिंग 96.78%। ऑफ कोर्स ये काफी चिंता का कारण है कि यहां पर हम जैसे लोग ही इसको लेके बैठे हुए हैं। यहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की एंट्री एक छोटी सी एंट्री है यहां पर 0.17%। अगर बात करें यहां पर अदर्स की, तो अदर्स की भी एंट्री छोटी सी है। एंड ऑफ कोर्स यहां पर जो कि अदर्स की एंट्री जो कि 3% के आसपास है, बट यहां पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स की एंट्री बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी यहां पर नजर आ रही है। अगर बात करें इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो ऑफ कोर्स गाइस यहां पर जून क्वार्टर में जो कि होल्डिंग इंक्रीज हुई है, ये एक ऑफ कोर्स एक अच्छा जो कि साइन यहां पर नजर आ रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी यहां पर इंक्रीज हुई है। तो गाइस की बात करें, तो गाइस पब्लिक की होल्डिंग यहां पर जो कि इंक्रीज हुई है, ऑफ कोर्स ये काफी चिंता का कारण है। एंड गाइस हो सकता है यहां पर चांसेस काफी हाई भी है शेयर को थोड़ा सा नीचे लाया जाए, क्योंकि पब्लिक से ये यहां पर जो होल्डिंग है इसको डिक्रीज करवाना है। सो गाइस यहां पर हो सकता है कि इसको थोड़ा सा नीचे लाया जाए, बट जिस तरीके से जो अभी परफॉर्मेंस है कंपनी की, उसको देखते हुए लगता है कि काफी अच्छा खासा यहां पर प्रॉफिट अर्न करके देगी जो भी इसमें जो कि इन्वेस्ट करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसमें होल्डिंग इंक्रीज हुई है जून क्वार्टर में। और गाइस इसके अलावा अगर बात करें इसके जो कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी की बात करें, तो 56,17,59,728 क्वांटिटी वॉल्यूम जो कि मार्केट में ट्रेड हो रहा है। सो गाइस ये टोटल नंबर ऑफ इक्विटी है। एंड ऑफ कोर्स गाइस जिसमें से 96.99% जो कि पब्लिक के हाथ में है चीजें, जो कि 97% पब्लिक के पास जो कि शेयर अभी होल्डिंग जो कि बची हुई है। तो गाइस यहां से पब्लिक होल्डिंग कम हो सकती है यहां पर, कि
कंपनी थोड़ा सा इसको नीचे लेके आए, पैनिक फैलाए थोड़ा सा, एंड पैनिक में यहाँ पर निकाल दें, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें इसके जो कि रिजल्ट की, तो गाइज यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा सा जो कि प्रॉफिट में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स यहाँ पर ये एक ज्यादा बड़ा, ये खतरे का साइन तो नहीं है, डेंजर का साइन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर एक साल के, अगर क्वार्टरली इसके रिजल्ट की बात करें, तो गाइज इसका रिजल्ट इतना जबरदस्त रहा है, टोटली कंपनी प्रॉफिट में है, अच्छा खासा रेवेन्यू है, एंड सारी चीजें इतनी बेटर है। एंड इसके अलावा आज जो न्यूज मार्केट में आई आई है, जो कि ऑफकोर्स काफी जबरदस्त न्यूज है, वो न्यूज क्या है, तो सुबेक शेयर प्राइजेज और 4% ऑन कॉन्ट्रैक्ट विन। सो गाइज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जिसकी वजह से 5% इसमें जंप देखने को मिला है। सो गाइज ऑन 18th अगस्त आफ्टर द कंपनी वन 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट विद दिरागू फॉर इंटीग्रेटेड रेवेन्यू एश्योरेंस एंड फ्रॉड मैनेजमेंट के लिए 5 साल का जो कि कॉन्ट्रैक्ट जो कि विन किया है, हैज बीन अवार्डेड अ 7-digit 5-year कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम दिरागू, द लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर ऑफ मालदीव्स, टू प्रोवाइड इट्स इंटीग्रेटेड रेवेन्यू एश्योरेंस एंड फ्रॉड मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, कंपनी सेड इन इट्स रिलीज। सो गाइज ये न्यूज है जिसकी वजह से यहां पर एक बड़ा जंप देखने को मिला। थ्रू द डेवलपमेंट दिरागू विल अपग्रेड इट्स सिस्टम एंड कंसोलिडेट इट्स स्टैंड लोन एश्योरेंस फंक्शंस ऑफ टू बेटर इक्विप देमसेल्फ फॉर द 5G एरा। वी आर प्राउड टू बी सिलेक्टेड एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर दिरागू, दे वर द फर्स्ट ऑपरेटर टू प्रोवाइड 5G इन साउथ एशिया कॉमर्शियली एंड हैव बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ मैनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन द रीजन, सेड शंकर रोडम, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओ जो है एंड होल होल टाइम डायरेक्टर सुबेक्स के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। ऑफ कोर्स काफी जबरदस्त यहाँ पर जो कि मिला है 5 साल के लिए, इट मींस कि 5 साल यहाँ पर रेवेन्यू जो कि आता रहेगा, ये एक जबरदस्त जो कि यहाँ पर जो कि कॉन्ट्रैक्ट फिन हुआ है सुबेक्स की तरफ से। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, इमिडिएटली इसमें जो कि 5% का जंप आपको देखने को मिला, तो काफी जबरदस्त सिचुएशन है, बट थोड़ा संभल के गाइस, क्योंकि पब्लिक होल्डिंग इसमें बहुत ज्यादा है, ये चीजें ऑफकोर्स नोटिस करने वाली हैं, ये चीजें नोटिस करके रखें। आपको ऑफ कोर्स जो कि जैसे ही प्रॉफिट मिले, थोड़ा सा आप अर्न करते ही उसको थोड़ा सा इवन आप उसको स्पूल कर लें, तो आपके लिए भी बेटर होगा। एक जो कि ऑफ कोर्स एक जो डेंजर का साइन है वो आपके सर पे नहीं रहेगा। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।